सरकार के गोविंदगढ़ पंचायत समिति की भाजपा प्रधान रसगन गोपाल चौधरी को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सियासत गर्म हो रही है। भाजपा प्रधान को हटाने के विरोध में रविवार को बड़ौदा में कस्बा पूरी तरह से बंद रहा और सरकार के इस फैसले का विरोध किया। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने बताया कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने भाजपा के बोर्ड को भंग किया है वह बिल्कुल निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भी अब विधायक और उनके पति मंत्री जुबेर खान हमला करने से गुरे नहीं कर रहे हैं और भाजपा के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं गोविंदगढ़ प्रधान रसगन चौधरी के पति गोपाल चौधरी ने स्थानीय विधायक और उनके पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे कांग्रेस में आने के लिए प्रलोभन दिए थे और यह कांग्रेस के नेताओं से कह रहा था कि प्रधान भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाए, हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने भारतीय सेना में नौकरी की है और मैं सिद्धांतों के साथ चलने वाला इंसान हूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं, इसलिए मैंने उनके प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया और इसके चलते उन्होंने षड्यंत्र करके बड़ौदा मेव को नगर पालिका बनवाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट की है और प्रधान को हटा दिया है। वहां पर अपने चहेते को मनोनीत प्रधान नियुक्त कर दिया है। इस दौरान प्रधान पति गोपाल चौधरी ने कहा कि शासन सचिव निशु अग्निहोत्री ने दबाव में साइन करवाए और 5 मंत्रियों को ले जाकर उनके वहां बैठा दिया और उसके ऊपर दबाव दिलवाने का काम किया, जबकि शासन सचिव कानूनी रूप से इसको करने के लिए अपनी असमर्थता जता चुके थे। अगर विधायक इस तरह के क्षेत्र में आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चोट करेगी तो आने वाले दिनों में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि हम न्यायालय की शरण में जाएंगे और हमें भरोसा है कि न्यायालय भी हमें हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा। हमें पूरे 5 वर्ष तक प्रधानी करने दी जाएगी। यह इंटेंशनली और जलन में प्रधान को हटवाने का काम स्थानीय विधायक और उनके पति के द्वारा किया गया है। इस दौरान बड़ौदा मेव कस्बा पूरे दिन बंद रहा और व्यापारियों ने भी कहा कि हम बड़ौदा मेव को नगर पालिका बनवाने के समर्थन में नहीं है। नगर पालिका बनने के बाद क्षेत्र में लोगों के काम हो रहे हैं, लोग पेंशन, चिरंजीवी योजना, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो रहे हैं। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, प्रधान पति गोपाल चौधरी, हरि सिंह देवाराम, जिला पार्षद सरिता राज, सहदेव सिंह नरुका, मेजर धीर सिंह, कमल भादवा, मान सिंह भादवा, राजेंद्र मिश्रा, मुकेश मिश्रा, सुनील गर्ग के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने बिना किसी एक छोटे से आग्रह पर ही पूरा बाजार को बंद रखा, पूर्ण रूप से बंद रखा और हमारे सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये लोकतंत्र की हत्या है और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की डेमोक्रेसी में कोई स्थान नहीं है, इस तरह के नेताओं का भी कोई स्थान नहीं है जो जिसकी सोच ही ऐसी हो जो नाक फोड़ के तो चुनाव जीतते हों और वही सोच को आगे बढ़ाते हुए जब चुनाव होता है तब आगे बाउंड कर ले जाके हमारे डायरेक्टरों को छीनने की कोशिश की गई। उसी हार को ये बचा नहीं पा रहे थे जिन्होंने षड्यंत्र रचकर ये नगर पालिकाओं का गठन किया और उसके बाद ये हमारे दोनों प्रधान और उपप्रधान को हटाया। इसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ और पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे पूरे क्षेत्र की भावना गोपाल जी प्रधान जी के साथ है। हम सभी अभी न्यायालय की शरण में हैं। ईश्वर कृपा करेगा, हमें न्याय मिलेगा और हम दोबारा